So right now I'm in Governur, which is a small place in Coimbatore. It's 14 to 15 kilometers away from Coimbatore city. So here I am completing my STCW certificate, and I came here for practicals. So बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा और प्यारा सा प्लेस है, आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए वो बड़े बड़े पहाड़, लाइक माउंटेन्स आर देयर, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल, सो नाइस। इट्स सिचुएटेड अ प्लेस कॉल्ड गोवनूर, एंड आई विल शो यू माई इंस्टीट्यूट एज वेल। लुक एट दोज ट्रीज, दीज आर आई थिंक बीटल नट ट्रीज। सो आई जस्ट वेंट टू सी द प्लेस, आई वॉज जस्ट विजिटिंग अराउंड एंड एक्सप्लोरिंग द शॉप्स एंड ऑल। देर इज अ जंक्शन नियर बाई, यू कैन गो देयर एंड हैव सम स्नैक्स एंड ऑल। सो दिस इज माई इंस्टीट्यूट विच इज सी स्किल, इट्स सो इनसाइड, बहुत अंदर है ये, जाने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन वेरी डिफिकल्ट है। सो दिस इज़ माई इंस्टीट्यूट, यहाँ पे प्रैक्टिकल के होते हैं और बड़ा सा है पीछे, यहाँ पे थोड़ा आगे जाके हमारे हमारी एकोमोडेशन है, देन प्रैक्टिकल के लिए भी यहीं आते हैं, तो एकोमोडेशन भी इंस्टीट्यूट के अंदर ही दी हुई है और फूड भी इंस्टीट्यूट की तरफ से ही रहता है जिसका उन्होंने पर्टिकुलर चार्ज किया है। आई विल शो यू दिस, लुक एट दिस, सी स्किल मैरिटाइम अकेडमी गवरूर गवनूर नाइकेन पलयम। द नेम इज़ सो डिफिकल्ट ओवर हियर, एंड अनदर नेम इज़ ऑल्सो देयर विच इज़ पेरी नैक्के पैलियम, वेरी डिफिकल्ट, वेरी बिग नेम। इट्स ऑल्सो नियर बाई लाइक 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, फ्रॉम वेयर यू विल हैव टू कम फर्स्ट फ्रॉम कोयम्बटूर। पहले आपको कोयम्बटूर से आना पड़ेगा, पहले आपको कोयम्बटूर से 15 किलोमीटर बस से आना पड़ेगा पेरी नैक्के पैलियम, देन पेरी नैक्के पैलियम से गवर्नूर। आपको ऑटो वगैरह लेना पड़ेगा, ऑटो वगैरह डिफिकल्ट भी होता है लेना, बट 10-20 रुपीज़ में यहाँ ड्रॉप करते हैं। ये हमारा एरिया है जहाँ पे ये एक ब्रिज, शिप में जैसे कंटेनर शिप्स एंड एवरी शिप्स हैज़ ब्रिज एंड ऑल, सो दिस इज़ प्रोटोटाइप ओनली। सो ये है, यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह हमारा होता है, वाटर, आज भी प्रैक्टिकल्स हुए काफ़ी, फायर को लेके, फायर ड्रिल्स वगैरह। अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, इंजॉइंग अलॉट। So for 4 days I'm over here. Day after tomorrow evening I'll be. This is where we eat food at the terrace, and that is the kitchen where the auntie is going. And look at that mountain, it's so beautiful, and that is our accommodation. So I'm staying in room number 5. It's like a farmhouse, but not a farmhouse, having fields, and look at that peacock. Having fields and lot of trees and also institute. So I'll show you my room. How does it look like? This is my that is the room where my
colleagues where my colleagues are staying. And that is room number 3, not 5, I'm sorry, I forgot. That is room number 3 where I am staying. Oh, it's locked, I have to open it. So this is my room. This is my bed. It's a small bed only, having a small bed and a small room, having 4 single beds. And this is my colleague or my classmate. That's my charger and my bag, and this is the helmet I have got from them. So yeah, this is all I am having, and it's very nice and very clean place. When you go to South India, you'll find clean and beautiful, full of greenery, as like Kerala and Tamil Nadu. Those places are full of greenery. So बहुत ही हरे भरे, बहुत ही अच्छे वातावरण में यहाँ पे आपको रहने का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि एक डिफरेंट आप कह सकते हैं डिफरेंट तरह का एनवायरमेंट आपको फील करने को मिलेगा, तो जो कि बहुत अच्छा लगता है. विल सी यू देन, बाय फॉर नाउ.